Hello everyone, I hope you all are doing fine. Welcome to all of you on this app Dental Empire, जिसपे dentistry से related सभी material आपको available होगा, books available होंगी आपके theory से related, practical से related और सभी videos available होंगी सभी theory lecture से related और practicals, Porter, Viva सभी से related. इसके अलावा आप मुझे YouTube पे follow कर सकते हैं Dr. श्वेता शर्मा, Instagram पे follow कर सकते हैं Dental Empire नाम से. Along with that you can join our Telegram group as well for group study. तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज जिसका नाम है ओरल हिस्टोलॉजी ऑन फिंगर टिप्स. इसमें बेसिकली ओरल हिस्टोलॉजी के चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं थ्योरी से रिलेटेड, प्रैक्टिकल एंड वाइवा से रिलेटेड, मैंने ओरल हिस्टोलॉजी में 90 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं. उनको चैप्टर वाइज मैं आपको कराऊंगी. प्लस जितना भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वो सभी आपकी रेफरेंस बुक यानी कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे लिया गया है. तो उनको एज इट इज भी अगर आप अपने एग्जाम में लिख के आओगे तो यू कैन ग्रैब मैक्सिमम मार्क्स. और ये नोट्स भी आपको वीडियो के अलावा अलग से शेयर कर दिए जाएंगे. ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट दिस होल सिलेबस. सी, ओरल हिस्टोलॉजी, ओरल दैट मीन्स स्ट्रक्चर्स टिश्यूज रिलेटेड टू आर ओरल कैविटी, राइट. एंड हिस्टोलॉजी दैट मीन्स जितने भी हमारी ओरल कैविटी से रिलेटेड टिश्यू होते हैं उन सभी को स्टेनिंग करके अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करना कि उसमें क्या दिख रहा है. माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उन सभी के बारे में पढ़ना, दैट इज ओरल हिस्टोलॉजी. ऑलराइट, अब हमारे ओरल कैविटी में क्या क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल टीथ, टीथ में क्या क्या टिश्यूज आते हैं, डेंटिन, इनेमल, सीमेंटम, पल्प, तो इन चारों के बारे में हम पढ़ते हैं. उसके अलावा जो हमारी ओरल म्यूकोज है, हमारी जो ये चीक के अंदर का की जो स्किन होती है वो किससे बनती है, हमारी जो जिंजाइवा होते हैं वो किससे बनती है, हमारे टीथ जिसके अंदर होते हैं दैट मींस जो हमारी एल्वियोलर बोन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जो हमारे दांत है वो कैसे डेवलप होते हैं, उसके अलावा दांत कैसे इरप्ट होते हैं हमारी ओरल कैविटी में, तो इन सभी चीजों को वन बाय वन हम चैप्टर वाइज पढ़ते हैं. ओके, सो नाउ आवर फर्स्ट चैप्टर इज डेवलपमेंट ऑफ फेस. बेसिकली इस फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे फेस की डेवलपमेंट कैसे होती है, एम्ब्रियोलॉजी कैसे होती है. एनाटॉमी में जो आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हो उसमें आप पूरी बॉडी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ोगे, पर यहाँ पे ओरल हिस्टोलॉजी है, दैट मींस ओरल यानी कि हमें ओरल कैविटी पे फोकस करना है इस सब्जेक्ट में, तो हम यहाँ पे केवल फेस की डेवलपमेंट पढ़ेंगे. ऑलराइट, सेकंड चैप्टर में फिर हम पढ़ेंगे कि हमारे ओरल कैविटी के अंदर, हमारे मुंह के अंदर दांत कैसे बनते हैं, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ टूथ, करेक्ट. उसके बाद दांत किससे बने होते हैं, इनेमल, डेंटिन एंड सो ऑन. तो ऐसे वन बाय वन हम चैप्टर वाइज इसको करते हैं, ठीक है. तब के फर्स्ट चैप्टर में ये पांच क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंटली निकाले हैं. फर्स्ट इज डिस्क्राइब डेवलपमेंट ऑफ फेस यानी कि फेस की डेवलपमेंट कैसे होती है. सेकेंड क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ पैलेट, पैलेट यानी कि ऊपर वाला जो तालू जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, इन दोनों के बारे में, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज डेवलपमेंट ऑफ टंग एंड फोर्थ क्वेश्चन इज न्यूरल क्रस्ट सेल्स एंड फिफ्थ इज मैकल्स कार्टिलेज. ये पांच क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. जो आपका ये पहला क्वेश्चन है ये आपका डायरेक्ट 10 मार्क्स में भी आ सकता है या फिर 10 मार्क्स का आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब डेवलपमेंट ऑफ फेस प्लस इलेबोरेट डेवलपमेंट ऑफ पैलेट. ये दोनों आपके 10 मार्क्स में एक क्वेश्चन बन के आ सकते हैं. तो इन सभी के आंसर हम वन बाय वन आज करेंगे. प्लस एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि डायग्राम्स हर एक क्वेश्चन में आपको बना के आने हैं, ठीक है. अगर आपको डायग्राम नहीं भी बनाना आता है, आंख बंद करके एक बार इमेजिन कीजिए कि इसका डायग्राम कैसे बन सकता है और उसको आप बना के आइए. गंदा भी बनेगा कोई परेशानी नहीं है, पर एग्जामिनर को जब दिखेगा कि आपने मेहनत की है, आपने डायग्राम दिखाया है, तो वहीं पे आपके मैक्सिमम मार्क्स लग जाते हैं, ठीक है. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है फेरिंजियल आर्चेस. वाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि भाई कितनी हमारी फेरिंजियल आर्चेस होती हैं, व्हाट आर फेरिंजियल क्लेफ्ट, व्हाट आर फेरिंजियल पाउचेस, तो यहाँ पे देखते हैं. अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो ये इस साइड की जो लेयर है लाइट कलर में है वो बनी है हमारी एंडोडर्म से, ठीक है. और जो बाहर की तरफ है ये वाली, ये हमारी बनी है एक्टोडर्म से, ठीक है. उसके बाद ये छह फेरिंजेस आती, छह आर्चेस आती हैं पीछे से, नेक के जो हमारे पीछे से ऐसे करके सिक्स लेयर्स आती हैं आप कह सकते हो, ठीक है. उन सिक्स को हम कहते हैं आर्चेस. और ये हमारे नेक में से आ रही हैं,
यहाँ पे हमारा क्या होता है, फेरिंग्स होता है, फ्यूचर फेरिंग्स, क्योंकि अभी हमारा फेरिंग्स बना नहीं है, तो खाली जगह है जो वो हमारा फ्यूचर फेरिंग्स है, उसके साइड से ये 6 आर्चेज आ रही हैं, तो इसलिए हम इनको कहते हैं फेरिंजियल आर्चेस। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसे आप लिखोगे फ्यूचर फेरिंग्स, और यहाँ पे आप लैरिंग्स की ओपनिंग है, फेरिंग्स के नीचे ही आता है, और उसके अराउंड यहाँ पे 6 आर्चेज आती हैं, उनको हम कहते हैं फेरिंजियल आर्चेस, जिनमें से 5th जो आर्च है वो डिसअपियर हो जाती है, जिसके वजह से हमारी फाइनल जाके 5 ही फेरिंजियल आर्चेस बचती हैं, और उन्हीं से फर्दर जो हमारे टिश्यूज हैं, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, वो डेवलप होते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन पढ़ते हैं। जो हमारी फर्स्ट फेरिंजियल आर्च है उसको हम फर्स्ट कहेंगे, उसका एक और नाम होता है मैंडिबुलर आर्च, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा सेकेंड फेरिंजियल आर्च होता है उसका नाम होता है हियोइड आर्च। ठीक है, केवल इन ही दोनों के नाम होते हैं, बाकी के कोई भी नाम नहीं होता है। थर्ड आर्च, फोर्थ आर्च एंड सिक्स्थ आर्च, ऐसे नाम लेके नंबर लेके बोलते हूँ। ठीक है, तो इन्हीं आर्चेज में इनकी खुद की आर्टरी भी होती है, इनकी नर्व भी होती है, इनका कार्टिलेज भी होता है। यहाँ पे आप 3 ओपनिंग हर एक आर्च में देख पा रहे हो। ठीक है, अब एक और बात जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा एक्टोडर्मल क्लेफ्ट होता है वो किसका बना होता है, एक्टोडर्म, नाम से ही याद रखना है, एक्टोडर्म में सी आता है और क्लेफ्ट में भी सी आता है, तो एक्टोडर्म जिस तरफ एक्सटेंड करती है उसे हम कहते हैं एक्टोडर्मल क्लेफ्ट, ठीक है, या फिर फेरिंजियल क्लेफ्ट। ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट जो हमारी एंडोडर्म है, एंडोडर्म जहाँ पे एक्सटेंड करती है उसको हम कहते हैं फेरिंजियल पाउच। ठीक है, ये दोनों आपको बातें याद रहेंगी, जो पाउच होता है वो एंडोडर्म की तरफ से एक्सटेंशन होता है, और क्लेफ्ट क्या होता है, एक्टोडर्म की तरफ से एक्सटेंशन होना, तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है। अब क्वेश्चन आता है, कई बार वाइवा में पूछ लिया जाता है कि जो फर्स्ट आर्च है, सेकंड आर्च है, इनसे क्या क्या बनता है, इनके क्या क्या डेरिवेटिव होते हैं, तो नर्व्स में देख लीजिए, फर्स्ट जो मैंडिबुलर आर्च है, फेरिंजियल आर्च है, उससे हमारी 5th क्रेनियल नर्व बनती है, दैट मीन्स ट्राइजर्मिनल नर्व। ठीक है, सेकेंड से फेशियल नर्व बनती है, 7th, 9th, थर्ड से बनती है 9th, फोर्थ से बनती है 10, और सिक्स से बनती है 10, तो 5, 7, 9, 10, ऐसे आपको ये याद रखने हैं। उसके अलावा मसल्स में देख लीजिए, मैंडिबुलर आपको थोड़ा इजी रहेगा याद करने में, मैंडिबुलर M से शुरू होता है, तो मैक्सिमम आपको M से मिल जाते हैं, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, माइलोहियोइड मसल। ठीक है, ये दो हो गए। यहाँ पे कार्टिलेज में आप मैलियस देख सकते हो, इनकस देख सकते हो, ये दोनों बेसिकली किससे बनते हैं, मैकल्स कार्टिलेज, MECKLS। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज मैकल्स कार्टिलेज, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि मैंडिबल जो आर्च होती है, फर्स्ट फेरिंजियल आर्च, उससे हमारा मैकल्स कार्टिलेज बनता है। ठीक है, और फर्दर इस मैकल्स कार्टिलेज से मैलियस एंड इंकस, जो हमारे मिडल ईयर में स्ट्रक्चर्स होती है, वो बनती है। ठीक है, उसके अलावा हमारे मैंडिबुलर आर्च से क्या क्या बनता है, इंटीरियर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, टेंसर विलाई पैलेटिनी, टेंसर टिम्पनाई, तो ये सभी मसल्स हो गए, ये सभी कार्टिलेजेस हो गए, और नर्व्स। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स हर एक फेरिंजियल आर्च से आपको याद करनी है, नीट पीजी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप इट इज ऑल क्लियर। सेकेंड है हियोइड बोन, मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, बक्सिनेटर, स्टेपेडियस, स्टाइलोहियोइड, पोस्टीरियर वैल्यू डाइगेस्टिक, ये सभी मसल्स हमारी सेकेंड फेरिंजियल आर्च यानी कि हियोइड से बनती हैं। ठीक है, उसके अलावा दीज आर कार्टिलेजेस, तो ये सभी आपको याद करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छा डायग्राम है ये भी, दिस इज फर्स्ट आर्च, सेकेंड आर्च, थर्ड आर्च, फोर्थ आर्च एंड 5th एलिमिनेट हो जाते हैं, देन 6th आर्च। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैकल्स कार्टिलेज। मैकल्स कार्टिलेज अभी मैंने आपको बताया था, जो हमारी फर्स्ट ब्रांकियल आर्च के होती है, जो फर्स्ट फेरिंजियल आर्च भी कह सकते हो, ब्रांकियल आर्च भी कह सकते हो, या फिर मैंडिबुलर आर्च भी कह सकते हो, उससे ये हमारा कार्टिलेज बनता है। अनब्रोकन रोड ऑफ कार्टिलेज, ये एक अनब्रोकन रोड की तरह ये कार्टिलेज होता है, एंड देयर प्रोक्सिमल एंड्स आर कनेक्टेड टू ईयर कैप्सूल्स। जो यहाँ पे आप देख सकते हो मैलियस एंड इनकस, जो हमारे मिडल ईयर के पार्ट होते हैं, यहाँ पे आप लिखा भी हुआ है मैलियस एंड इंकस, 2 ऑफ द बोन्स ऑफ मिडल ईयर, उनको ये बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये एक्सटेंड होके वहां तक जाते हैं। मैंडिबल इससे नहीं बनती है, पर मैंडिबल का जो सिम्फाइसिस एरिया होता है, यहाँ पे लिखा भी होगा, देयर डिस्टल एक्सट्रीमिटीज आर जॉइंड टू वन अनदर एट द सिम्फाइसिस ऑफ मेसोडर्म टिश्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरफ के यहाँ पे ये कनेक्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डायग्राम बहुत अच्छे से बताया है, दिस इज द सिम्फाइसिस एरिया एंड दिस इज मैलियस एंड दिस इज इंकस। ये ग्रीन कलर से जो भी शो हो रहा है, दैट इज मैकल्स कार्टिलेज।
ऑल राइट, अब आगे हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डेवलपमेंट ऑफ फेस, ये हमारा आता है। यहाँ पे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो हमारा पूरा फेस है वो किन चीज़ों से बनता है। देखिए तीन मैं अभी प्रोसेसेस बताऊंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फेस के बनाने के लिए। एक तो होता है जो हमारी फ्रंटो नेजल प्रोसेस होती है ये वाली, एंड सेकेंड जो हमारी मैक्सिलरी प्रोसेस होती है, और थर्ड हमारी जो मैंडिबुलर प्रोसेस होती है। ये तीन प्रोसेसेस आप याद कर लीजिए और पूरा डेवलपमेंट फेस आप टिप्स पे लिखाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं। और एक और बात मैं यहीं पे बताना चाहूँगी, अभी जो हमने जस्ट फेरिंजल आर्च पढ़ी है, फर्स्ट फेरिंजल आर्च जिसे हम मैंडिबुलर आर्च कहते हैं, दिस इज दैट मैंडिबुलर आर्च, ठीक है। और ये मैंडिबुलर आर्च फर्दर दो प्रोसेसेस देती है। ऊपर वाली प्रोसेस को हम कहते हैं मैक्सिला प्रोसेस और नीचे वाली को कहते हैं मैंडिबुलर प्रोसेस। यानी कि जो हमारी मैक्सिला होती है और जो हमारी मैंडिबल होती है वो दोनों हमारी मैंडिबुलर आर्च से बनती हैं। फर्स्ट फेरिंजियल आर्च से हमारी मैक्सिला और मैंडिबल बनती है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ऊपर वाली नाम से ही पता चल रहा है, फ्रंट यानी कि फ्रंटो नेजल, क्योंकि फ्यूचर में जाके नेजल का भी पार्ट बनाएगी, इसलिए हम इसको कहते हैं फ्रंटो नेजल प्रोसेस। समझ में आ रही है सारी बातें? दिस इज फ्रंटो नेजल प्रोसेस, दीज आर मैक्सिलरी प्रोसेसेस एंड दीज आर मैंडिबल प्रोसेसेस। तो ये तीन प्रोसेसेस आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अब वन बाय वन चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारी फ्रंटल प्रोसेस है वो हॉर्सशू शेप्ड बन जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो हॉर्सशू शेप्ड बन रही है यहाँ पे। उसके बाद इसमें नेजल प्लेकोर्ट्स बनते हैं बीच में, बिल्कुल फ्रंट में, और साइड में यहाँ पे लेटरल सरफेस पे बनते हैं लेंस प्लेकोर्ट। लेंस यानी कि जो हमारा आई लेंस है ये फ्यूचर में जाके वो बनाएंगे, और ये फिलहाल साइड में है, और जो हमारी नेजल प्लेकोर्ट्स है वो हमारी नोज की ओपनिंग्स बनाएंगे। इतना समझ में आ रहा है? अब ये जो हमारी नेजल प्लेकोर्ट्स हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं लाइक दिस, और ये होता है हमारा मीडियल पार्ट और ये होता है हमारा लेटरल पार्ट, ठीक है। मीडियल का मतलब जो बीच की तरफ हो, लेटरल का मतलब जो बाहर की तरफ हो, ठीक है, सेंटर से दूसरी तरफ। तो ये इन्हें हम बोलते हैं मीडियन नेजल प्रोसेस, बाहर वाली को हम बोलते हैं लेटरल नेजल प्रोसेस। इतना समझ में आ रहा है? और जो हमारी ये मैंडिबल थी, ये मैंडिबल दो प्रोसेस में डिवाइड हो चुकी है, मैक्सिला प्रोसेस एंड मैंडिबुलर प्रोसेस। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। एट अबाउट 28 डेज लोकलाइज्ड थिनिंग डेवलप within endoderm of the frontal eminence nasal placords। जो हमारी ये nasal placords हैं इनमें thickening शुरू हो जाती है, यानी कि जो हमारी nasal placords है median और lateral side, इन दोनों की thickness बननी शुरू हो जाती है। अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए ये इतनी मोटी layer यहाँ पे median nasal की बन गई, और इतनी मोटी जो yellow color की है वो हमारी lateral nasal placord की thickening बन गई, ठीक है ना। अब ये जो थिकनिंग है इसमें जो मिडल पार्ट है, मिडल देखिए, जो मिडल नेजल प्लेकोर्ट्स है ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये दोनों फ्यूज हो गई हैं। ओके, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, रीजन ऑफ फ्रंटल प्रोमिनेंस वेयर नोज डेवलप्स फ्रंटो नेजल प्रोसेस। जो मीडियन नेजल प्लेकोर्ट जो एक दूसरे से कंबाइन हुए हैं, ये फ्रंटल जो हमारी प्रोसेस है उससे भी कंबाइन होंगी, तो ये कुल मिला के फ्रंटो नेजल पार्ट बनाता है, फ्रंटो नेजल प्रोसेस। क्योंकि ये फ्रंटल बोन है, ये हमारी नेजल बोन हो गई, तो फ्रंटल नेजल प्रोसेस हो गई। समझ में आ रही सारी बातें? तो द मीडियन नेजल प्रोसेस ऑफ बोथ साइड्स टुगेदर विद फ्रंटो नेजल प्रोसेस गिव राइज टू द मिडल पोर्शन ऑफ द नोज। यहाँ पे जो हमारा फिल्ट्रम होता है उस एरिया को ये बनाते हैं, ठीक है, मिडल पोर्शन ऑफ द अपर लिप एंड एंटीरियर पोर्शन ऑफ द मैक्सिला, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे जोड़ रही हैं, तो ये हमारा एंटीरियर पार्ट ऑफ मैक्सिला भी बना रही हैं, और हमारा अंदर की तरफ ये प्राइमरी पैलेट भी बना रही है, जो मैं पैलेट में बताऊंगी डेवलपमेंट ऑफ पैलेट के पार्ट में। अब तो हमारा डिसाइड हो गया है, जो हमारा अपर लिप है वो हमारे मैक्सिलरी प्रोसेस से बना है, और जो हमारी मीडियन नेजल प्रोसेस है उनसे जुड़ के बना है। जो हमारा लोअर लिप है वो हमारी जो मैंडिबल प्रोसेस है उसकी जो एक्टोमेसेनकाइमल सेल्स है उनके डेवलपमेंट से बनता है। तो ये दोनों डिफरेंस समझ में आ गए। अब समरी देखिए, फुल फेस की देखिए, फॉर्मेशन ऑफ लोअर जो एंड लिप्स ये किससे बनेंगे, मैंडिबल के एक्टोमेसेनकाइमल सेल से बनेंगे, और मैंडिबल किससे बनी थी, हमारी फर्स्ट फेरिंजियल आर्च जिसका भी नाम मैंडिबुलर आर्च ही था, ठीक है। और जो हमारी चीक है वो कैसे बनेंगे, हमारी जो मैक्सिला और मैंडिबल ये दोनों जहाँ पे फ्यूज होते हैं, मैक्सिलर एंड मैंडिबुलर प्रोसेस जहाँ पे फ्यूज होते हैं, यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा चीक बनेगा जहाँ पे मैक्सिलरी और मैंडिबुलर प्रोसेस एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, फॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर हमारा कैसे बनेगा, जो हमारा एक्टोडर्मल क्लेफ्ट है, क्लेफ्ट बेसिकली क्या था, जो मैंने बताया था हमारी जो फेरिंजियल आर्च है
उसका जो एक्टोडर्मल पार्ट का एक्सटेंशन था उसे हम क्लेफ्ट कहते हैं। तो उसके डोर्सल पार्ट से हमारा एक्सटर्नल ईयर बनता है। और अपर लिप कैसे बनेगा, हमारे जो मैक्सिलरी प्रोसेस है प्लस हमारी जो मीडियन नेजल प्लेकोर्ड्स है उनके फ्यूजन से। नाउ लोअर लिप कैसे बनेगा, जो हमारी मैंडिबल प्रोसेस की एक्टोमीजन काइमल सेल्स होंगी उनसे। तो आई होप ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। नाउ द डेवलपमेंट ऑफ पैलेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेसिकली पैलेट किसे बनता है, यहाँ पे अभी तक हम बात कर रहे थे केवल ऊपर वाली फोटोज की, यानी कि फ्रंट व्यू से। फ्रंट व्यू से हमने क्या क्या देखा था, दीज वर द मैक्सिलरी प्रोसेसेस, नीचे थी मैंडिबुलर प्रोसेस, ऊपर थी हमारी फ्रंटल प्रोसेस, ये थी हमारी मीडियल नेजल प्लेकोर्ड एंड दिस वॉज लेटरल नेजल प्लेकोर्ड, और जो हमारे आई लेंस थे वो थे हमारे लेटरल तरफ। ठीक है, वो साइड आगे आएंगे धीरे धीरे। तो अभी तक इतना बात थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारी मीडियल नेजल प्रोसेस है वो एक दूसरे से और फ्रंटल प्रोसेस से कंबाइन होके हमारा जो अपर लिप का फिल्टर है, मिडल पार्ट है, उसको बनाती है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारी यहाँ पे मैक्सिलरी प्रोसेसेस हैं, ये अंदर, अगर हम अंदर की तरफ से देखेंगे, मुंह खोल के अंदर की तरफ से देखेंगे, तो यहाँ पे ये मैक्सिलरी प्रोसेस अंदर की तरफ भी गई हुई होती है। ठीक है ना, जो हमारी प्लेट है, अब अगर ये प्लेट ऐसे है तो आपको तो केवल ये पार्ट दिखेगा ना, पर अंदर अगर हम देखेंगे तो ये पार्ट भी तो है। समझ में आ रही है? तो दीज, ये भी किसकी प्रोसेस है, मैक्सिला की ही तो प्रोसेस है, पर इनको हम नाम दे देते हैं पैलेटल प्रोसेस। ठीक है, दीज आर द मैक्सिलरी प्रोसेसेस, पर ये मैक्सिलरी की कौन सी प्रोसेस है, पैलेटल, इनको हम नाम दे देते हैं। फ्रॉम ईच मैक्सिलरी प्रोसेस ए प्लेट लाइक शेल्फ ग्रोस मीडियली कॉल्ड पैलेटल प्रोसेस। मैक्सिला से अंदर की तरफ प्लेट की तरह एक शेल जाता है जिसे हम कहते हैं पैलेटल प्रोसेस। ठीक है, दो पैलेटल प्रोसेस हो गई। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारी फ्रंटो नेजल प्रोसेस थी वो अंदर की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें वो दिखेगी जिसे हम कहते हैं प्रीमेटिव पैलेट। ठीक है, तो हमारा पैलेट तीन चीज़ों से जुड़ के बनता है, तीन चीज़ों के फ्यूजन से बनता है। दो तो हमारी जो पैलेटल प्रोसेसेस है, किसकी है, ये मैक्सिला की है, और एक जो हमारा प्राइमरी पैलेट है जो किसके एक्सटेंशन है, फ्रंटो नेजल प्रोसेस के एक्सटेंशन है। इन तीनों के जुड़ने से यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा पैलेट जो है वो बनता है। ठीक है, तो द पैलेट इज फॉर्म्ड बाय थ्री कंपोनेंट्स, टू पैलेटल प्रोसेसेस एंड वन प्रीमेटिव पैलेट। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो। प्री मैक्सिला क्या होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ पैलेट डिराइव्ड फ्रॉम फ्रंटो नेजल प्रोसेसेस फॉर्म्स द प्री मैक्सिला। ठीक है, जो हमारी फ्रंटो नेजल प्रोसेस से जो बनता है उसे हम कहते हैं प्री मैक्सिला। और जो हमारा हार्ड पैलेट है, अब देखिए जो हमारा आगे वाला पैलेट है उसका कैल्सिफिकेशन हो जाता है, ये थोड़ा हार्ड बन जाता है, इसलिए इसे हम कहते हैं हार्ड पैलेट। पर अंदर की तरफ ये कैल्सिफिकेशन मिनरलाइजेशन नहीं हो पाता है, ओसिफिकेशन नहीं हो पाता है, इसलिए पीछे वाला पोर्शन जो है वो सॉफ्ट रह जाता है, इसलिए उसे हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। समझ में आ रही है सारी बातें? तो ये था हमारे पैलेट के बारे में। अब अगर क्वेश्चन आता है डेवलपमेंट ऑफ पैलेट, तो उसके साथ साथ आपको डेवलपमेंटल अनोमलीज ऑफ लिप एंड पैलेट भी लिख के आनी है। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल तो जैसे पैलेट डेवलप होता है वो तो हमने पढ़ ली, पर अगर इन केस वहाँ पे कोई एबनॉर्मैलिटी आ जाती है, पैलेट अच्छे से नहीं बन पाता है, तो वो क्या क्या केसेस हो सकते हैं, या तो कंजेनाइटल लिप, या फिर कमिजुरल पिट्स एंड फिस्टुलास, वंडरवुड सिंड्रोम, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। यानी कि क्या होता है, अगर हमारे लिप्स अच्छे से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाए हैं, जो अच्छे से फ्यूज नहीं हो पाए हैं, तो यहाँ पे क्लेफ्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे पैलेट अच्छे से नहीं कंबाइन हो पाए, इसलिए ये है क्लेफ्ट पैलेट। अगर लिप यहाँ पे अच्छे से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, उसे हम कहते हैं क्लेफ्ट लिप। इनके आप डायग्राम कैसे बना के आएंगे, अगर आप यहाँ से यहाँ पे लिप बना के आते हैं लाइक दिस, तो आप यहाँ पे क्लेफ्ट डाल दीजिए और इसे लिख दीजिए क्लेफ्ट लिप। समझ में आ रहा है डायग्राम कैसे बना के आने हैं? यहाँ पे आप देख सकते हो क्लेफ्ट पैलेट। तो बेसिकली आपको क्या बनाना है, ओरल कैविटी बनानी है, उसके अंदर जो पैलेट है, ऊपर वाले लिप्स और नीचे वाले लिप्स, ठीक है, और यहाँ पे आपको पैलेट में क्लेफ्ट दिखाना है और यहाँ पे लिख देना है दिस इज क्लेफ्ट पैलेट। तो ऐसे आपको डायग्राम्स भी बना के आने हैं। ओके, नाउ द डेवलपमेंट ऑफ टंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब डेवलपमेंट ऑफ टंग जो है वो फोर्थ वीक में स्टार्ट हो जाती है। ये बेसिकली किससे बनती है, दो पार्ट्स में बनती है, एक तो एंटीरियर टू थर्ड, लिखा क्यों नहीं जा रहा भाई, एक तो होता है एंटीरियर टू थर्ड और एक होता है पोस्टीरियर वन थर्ड।
तो अब देखिए ये एंटीरियर टू थर्ड कैसे बनता है, फिर हम देखेंगे कि पोस्टीरियर वन थर्ड कैसे बनता है। जो हमारा एंटीरियर टू थर्ड है, जो हमारी फर्स्ट फेरिंजियल आर्चेज है, आर्चेज आपको सारी समझ में आ गई, 1, 2, 3, 4 एंड 6, फिफ्थ जो है वो गायब हो जाती है, ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट है उसकी लिंगुअल स्वेलिंग होती है लेटरल, ठीक है ना, दोनों तरफ, ये मिड लाइन है, इसके दोनों तरफ लेटरल लिंगुअल स्वेलिंग्स होती है, जिससे ट्यूबरक्यूलम इम्पायर नाम की एक स्वेलिंग बनती है, ठीक है, और इससे फिर हमारा एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी फेरिंजियल आर्चेस है वो मिड लाइन पे जुड़ते हैं, जो हमारा दो लेटरल लिंगुअल स्वेलिंग्स है वो इनलार्ज होती हैं, एक दूसरे से मर्ज होती हैं और ट्यूबरक्यूलम इम्पायर बनाती हैं, जो हमारे एंटीरियर टू थर्ड को बनाता है। इतना समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं जो हमारा पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग है, जिसे हम रूट ऑफ द टंग कहेंगे, ठीक है, ये कैसे बनता है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर्चेस से। इतनी समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखते हैं, स्वेलिंग्स कंसिस्ट ऑफ कॉपुला एंड लार्ज हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड को और फोर्थ को मिला के यहाँ पे बन रही है हाइपोफेरिंजियल एमिनेंस, और सेकंड में बन रही है यहाँ पे कॉपुला, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड जो आर्चेज है वो मिलके हमारी बनाती है पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग। और जो हमारा फोर्थ आर्च है, यहाँ पे आप देख सकते हो डार्क ब्लू कलर में है, जो फोर्थ आर्च है उससे हमारा बनता है एपिग्लोटिस। समझ में आ रही है। फर्स्ट ब्रांकियल आर्च से हमारा बन रहा है एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग, और जो हमारी सेकंड एंड थर्ड ब्रांकियल आर्चेज है उनसे हमारा बनता है पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग, और जो हमारी फोर्थ ब्रांकियल आर्च होती है उससे हमारा बनता है एपिग्लोटिस। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है। अब अगर टंग पे क्वेश्चन आता है डेवलपमेंट ऑफ टंग, वो तो लिखना ही है आपको, उसके अलावा आपको एनोमलीज ऑफ टंग भी लिखनी है, यानी कि टंग में क्या क्या परेशानी आ जाती है। मैक्रोग्लोसिया, माइक्रोग्लोसिया, एग्लोसिया। ग्लोसिया का मतलब होता है टंग, मैक्रो नाम से पता चल रहा है कि टंग अगर बड़ी हो जाए तो माइक्रोग्लोसिया, माइक्रो टंग अगर छोटी हो जाए तो माइक्रोग्लोसिया, ए यानी कि है ही नहीं, अगर टंग ही ना हो तो उसे हम कहते हैं एग्लोसिया की कंडीशन। बाईफिड नाम से पता चल रहा है, बाई यानी कि दो पार्ट हो जाना, ठीक है ना, जो हमारी टंग है अगर वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए दैट इज बाईफिड टंग। नेक्स्ट इज एंकाइलोसिस। एंकाइलोसिस का मतलब होता है फ्यूजन, चिपकना, ठीक है। तो यानी कि जो टंग है वो अगर फ्लोर ऑफ द माउथ के चिपक जाए थोड़ी सी, उसे हम कहते हैं एंकाइलोग्लोसिया। इसकी सर्जरी होके फिर वो कट देना पड़ता है, देन टंग विल बी रिलीज्ड, और उसके बाद फिर स्पीच जो है वो पेशेंट की अच्छी होने लगती है। उसके अलावा परसिस्टेंट ऑफ ट्यूबरक्यूलर इम्पायर, यानी कि ग्रोथ के टाइम पे अगर वो जो हमारा फर्स्ट एमिनेंस से जो हमारा बना था ट्यूबरक्यूलम इम्पायर, अगर वो वहीं पर रह जाता है दैट विल नॉट कन्फर्म इन टू एंटीरियर वन टू थर्ड, और अगर वो एंटीरियर टू थर्ड बनाने के साथ साथ उसके अंदर रह जाता है उसका रेमनेंट, दैट इज कॉल्ड एज परसिस्टेंट ऑफ ट्यूबरक्यूलम इम्पायर। उसके अलावा थायरॉइड टिश्यू विद इन द मसल। अब आप सोचेंगे कि टंग के अंदर थायरॉइड टिश्यू कैसे रहेगा भाई। देखिए यहाँ पे जो हमारा फोरामेन सिकम होता है, जो हमारी टंग के सबसे पीछे वाला पार्ट होता है, यहाँ पे अगर मैं टंग बनाती हूँ उसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है फोरामेन सिकम, वो हमारा थायरॉइड ग्लैंड से जुड़ा हुआ होता है वाया अ डक्ट नेम्ड थायरोग्लोसल डक्ट। इन केस अगर वो थायरॉइड ग्लैंड का टिश्यू यहाँ पे अगर रह जाता है तब भी प्रॉब्लम होगी। रेमनेंट्स ऑफ थायरोग्लोसल डक्ट, अगर थायरोग्लोसल डक्ट जो है उसके रेमनेंट यहाँ पे रह गए तो भी दिक्कत होगी। एंड फिजर टंग का मतलब है जो हमारी टंग है उसमें बहुत सारे फिजर्स होना, तो ऐसे डायग्राम्स में बना के आ सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ वीक में फ्रंटोनेजल, मैक्सिलरी एंड मैंडिबल, ये तीनों जो प्रोसेसेस हैं ये हम अलग से अप्रिशिएट कर सकते हैं, अलग से देख सकते हैं। फिफ्थ वीक में नेजल पिट्स आ जाएंगे, सिक्स्थ वीक में ट्यूबरकल्स आ जाएंगे, पिन्ना आ जाएगा, हमारा जो एक्सटर्नल ईयर है वो बन जाएंगे, साइड पैलेट बन जाएगा। सेवन्थ जो वीक है उसमें आईलेट बन जाएंगी, एट्थ जो वीक है आई जो है हमारी लेटरल में थी वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये लेंस है, लेंस प्लैकोर, ये लेटरल पे थे और एट्थ वीक में ये हमारे फ्रंट में आ जाते हैं, ठीक है। टेंथ वीक में पैलेटल प्रोसेसेस एंड नेजल सेप्टम फ्यूज विद ईच अदर एंड दिस विल फॉर्म पैलेट। तो यही था आपके आज के चैप्टर में, जिसका नाम था डेवलपमेंट ऑफ फेस, जिसके अंदर हमने डेवलपमेंट ऑफ फेस पढ़ा है, पैलेट पढ़ा है, टंग पढ़ा है, उसके अलावा मैकल्स कार्टिलेज एंड न्यूरल क्रस्ट सेल। ये पांच क्वेश्चन आपके बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से कीजिएगा। जितने भी आपके नोट्स हैं मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सभी नोट्स आपके जो जो भी आपके रेफरेंसेज होते हैं, बुक्स होते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स, उनसे ही लिए गए हैं। इनको एज इट इज़ भी अगर आप अपने एग्जाम में लेके आते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। डायग्राम ज़रूर बना के आइए। तब तक के लिए अपना पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू एंड गुड लक।